नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज का खास शो कार में सरकार। और आज कार में सरकार के इस खास एपिसोड में हमारी मेहमान हैं स्वाति सिंह, जो फिलहाल तो मंत्री हैं। स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के कार में सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिलहाल मंत्री बोला तो बुरा तो नहीं लगा? क्यों बुरा लगेगा, वर्तमान में तो हूं ही। वर्तमान में है ये बंगला भी मंत्री वाला है? हाँ बिल्कुल। आगे नहीं रहेगा तो क्या हुआ, ये आजीवन तो चिपका नहीं रहेगा ना, ये ना तो पद चिपका रहेगा और ना तो ये घर चिपका रहेगा, व्यवहार अच्छा होना चाहिए। सवाल ऐसे ही होंगे? बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो शुरू से ही ऐसे तीखे सवालों को झेला है। तो स्वाति सिंह सवार हो गई हैं कार में सरकार की सवारी करने के लिए और इन्होंने तैयारी भी कर ली है। ये कह रहे हैं कि मैंने तीखे सवालों को ही आज तक झेला है, उनका ही जवाब दिया है। लेकिन एबीपी न्यूज के इस कार में सरकार के शो का सवाल स्वाति जी वही होगा जो जनता जानना चाहती है। ये झूठी मुस्कुराहट नहीं चलेगी टिकट कटने के बाद? देखिए ऐसा है कि मुझे नहीं लगता मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठा चोंगा नहीं ओढ़ा है, तो मेरी हंसी भी झूठी नहीं है, चिंता ना करिए। तो देखिए आज लखनऊ के शहर में स्वाति सिंह हमारे साथ चल रही हैं और इन्होंने कह दिया है कि कुछ भी पूछ लीजिए। आ जाए दयाशंकर सिंह जी पर। तो क्या मेरे रोकने से आप रुक जाएंगे? ये बताइए, आपका टिकट कट गया, टिकट पे बहुत सवाल हुए आपसे, हर कोई आपसे यही कह रहा है टिकट कट गया, टिकट कट गया। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि टिकट मिल गया है, एक शख्स को टिकट मिल गया है बलिया से, खुश हैं आप? क्या देखिए, किसी का टिकट मिलना नहीं मिलना ना तो मुझे किसी का नहीं, आपके पति का। मैं कह रही हूँ किसी को भी अगर टिकट मिलता है नहीं मिलता है ये पार्टी का निर्णय है, उसमें मेरी खुशी या दुखी होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मुझे लगता है कि किसी व्यक्ति विशेष के लिए ऐसा टिप्पणी करना भी मेरे स्तर से वो उचित नहीं है। वो आपके ऊपर भी बोलते हैं, आपके विषय पर भी बोलते हैं, सब पर बोलते हैं, आप क्यों नहीं बोलती हैं? बिल्कुल सही कह रहे हैं। नहीं नहीं, डरती बहुत हैं आप। मैं डरती नहीं हूँ, यही लोगों को समस्या है। खैर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जितने भी मैं पिछले एक डेढ़ या दो महीने से जिन चीज़ों को मैं देख रही थी मीडिया के अलग अलग चैनलों पर, कई बाइट्स आई, कई ऐसे इंटरव्यूज़ आए, मेरा इस समय यही कहना है कि दयाशंकर जी ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। ये बहुत बड़ी बात कह रही है, मुझे लगता है आप पहली बार कह रही हैं। मैंने कहा दयाशंकर, आप पहली बार कह रही हैं एबीपी न्यूज़ में। सबने देखा सबने सुना है, आज उस बात को मैं कह रही हूँ कि दयाशंकर जी ने सारी मर्यादाओं को लांघ दिया। लेकिन मैं जिन परंपराओं से, जिस संस्कृति से मैं बंधी हुई हूँ, मैं अपनी मर्यादाओं को नहीं लांघ सकती हूँ, क्योंकि मेरे साथ मेरे दो बच्चे भी हैं, उनका भविष्य भी मुझे देखना है, तो वो काम मैं नहीं कर सकती। दयाशंकर सिंह पर ही रहूँगा अभी एक दो सवालों पे और, लेकिन आप मुस्कुरा रही हैं, आप मजी हुई पॉलिटिशियन हैं, मैं तो समझ गया, क्योंकि जब मैं दयाशंकर सिंह जी पर रहूँगा तो आपको ये कहना चाहिए कि नहीं आप दूसरे सवाल पूछिए, पर आप कह रही हैं कि कोई बात नहीं आप जवाब देंगी। मैं ये कह रहा हूँ कि अब तो टिकट मिल गई है, अब वो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो आप फिलहाल मंत्री हैं, वर्तमान में मंत्री हैं, आपके प्रचार प्रसार का असर होगा। और जहां तक मेरी जानकारी है बलिया आपकी, आपका मायका है? हाँ बलिया मेरा मायका है। तो अपने मायके में अपने सोहर को जिताने के लिए जाएंगी? देखिए मैं इस देश की बेटी हूँ, इस प्रदेश की बेटी हूँ, और जब 2017 में लोगों ने मेरे लिए, जब जो एक माहौल बना था 2016 में, कुछ ऐसे शब्दावली का प्रयोग हुआ था दोनों ही तरफ से, तो उस समय पूरा प्रदेश मेरे लिए खड़ा हो गया था। मैं अपने आप को सीमित नहीं कर सकती हूँ सिर्फ बलिया की बेटी के नाम पर। ये ज़रूर कहूँगी कि सर्वप्रथम मैं भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगी। और दयाशंकर जी, मान लीजिए पार्टी जहाँ भेजेगी वहाँ तो आप जाएंगी, दयाशंकर जी जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे कि नहीं? मैंने कहा मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, पार्टी मुझे जहाँ भेजेगी मैं वहाँ जाऊँगी। कोई व्यक्ति विशेष हमारी पार्टी में ये निर्णय नहीं ले सकता है कि कौन हमारे चुनाव प्रचार में आएगा और कौन नहीं। व्यक्ति विशेष नहीं ले रहे हैं, पर मैं व्यक्ति विशेष कह रहे हैं कि आइए, पर मैं व्यक्ति विशेष की ही बात कर रही हूँ। हमारी पार्टी में कोई भी व्यक्ति विशेष इस विषय पर निर्णय नहीं ले सकता है, न ये दावा कर सकता है कि कौन सा व्यक्ति मेरे चुनाव में आएगा, ये पार्टी का निर्णय हो। अच्छा ये आम जनता भी जानना चाहती है, मेरे सवाल नहीं है। स्वाति सिंह और दयाशंकर सिंह जी पति पत्नी हैं, उसके बाद कुछ विवाद आता है, विवाद के बाद स्वाति सिंह चुनाव लड़ती हैं, जीत जाती हैं, मंत्री बन जाती हैं, और फिर टिकट के लिए इतना झगड़ा घर में। ये राजनीतिक लड़ाई है, पारिवारिक लड़ाई है, इसके पीछे कुछ और कारण है? आज कह दीजिए स्वाति सिंह जी, आप बहुत मुखर होकर हर बात सवाल का जवाब देती हैं, कह दीजिए आज इसके पीछे कारण क्या है, वजह क्या है? झगड़ा किसे बोलते हैं? अगर एक ही आदमी कुछ बोलता रहे उसे झगड़ा बोलते हैं, या दोनों में कुछ बात हो तो झगड़ा है? इसका पहले आप जवाब दीजिए, झगड़ा किसे बोलते हैं? जब दो व्यक्ति किसी विषय पर लड़ाई करते हैं
तो शायद उसे लड़ाई या झगड़ा कहा जाता है। ठीक बोल रही हूँ? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही, मेरी परिभाषा यही है। तो इतने दिनों से जो भी टीवी में चैनलों में जो भी चीजें आती रहीं वो एक तरफा थी। तो आप डरती हैं? मैं तो कह रहा हूँ, मैं तो सीधा सवाल कह रहा हूँ, आप डरती हैं इसलिए नहीं बोलती। मैं एक चीज बता दूं, ये हर व्यक्ति जानता है कि स्वाति सिंह डरने वालों में से नहीं है। तो बोलती अगर डरती तो बोलती काहे नहीं? मैंने कहा ना, मैं अपने मर्यादाओं को नहीं लांघ सकती हूँ। कोई कुछ भी कर ले? नहीं, इतना नहीं है कि कोई कुछ भी कर ले। अगर कोई कुछ भी कर लेगा तो मुझे किस जगह पर और कहां पर और कब जवाब देना है मुझे वो भी पता है। समाजवादी पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं गया? स्वाति जी कैसी है सेहत आपकी, आप ठीक हैं, घर बदलना चाहती हैं, आएंगी, स्वागत है सबको, तो ले रहे हैं। कुछ तो मंत्री पद होते हुए भी चले गए, आपके पुराने मंत्रिमंडल के साथियों ने नहीं कहा स्वाति जी आइए आज सपम चाय पीते हैं? नहीं, इस तरह की मेरी किसी से कोई भी चर्चा नहीं हुई है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। और जिन पुराने लोगों की आप बात कर रहे हैं कि कुछ लोग नहीं, कुछ लोग चले गए, तो वो उनका अपना निर्णय था, उनका व्यक्तिगत निर्णय था। और मेरा अपना व्यक्तिगत निर्णय ये है कि मुझे इसी पार्टी में रहना। एक मिनट, मेरे बच्चे का स्कूल भी आ गया और छुट्टी का टाइम भी हो गया, तो मैं पहले उसको ले लूँ। मतलब आप कार में सवार होकर ही बच्चे को रिसीव करेंगी? बिल्कुल, मैं अपने बच्चों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करती हूँ, क्योंकि माँ हूँ, माँ की जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करती हूँ। तो देखिए, मंत्री स्वाति सिंह खड़ी हैं अपने बच्चे को रिसीव करने के लिए। हाँ, तो मम्मी आई हैं आज आपको लेने, ये जा रही थी, इनका इंटरव्यू हो रहा था, तो इन्होंने कहा कि रुकिए, हमारा बेटा यहीं पढ़ता है, इनको रिसीव कर लेते हैं। तो मम्मी आते रहती हैं बीच बीच में? कभी कभी, हाँ, जब भी फ्री होती हैं। हाँ, तो आपको पसंद है मम्मी आए या मंत्री आए? मम्मी। तो चलिए, मंत्री स्वाति सिंह ने कहा था कि चाय पिलाएंगे, तो कार में सरकार की सवारी यहाँ रुक गई है और शर्मा जी की चाय में आपने चाय पिलाने का वादा किया था, तो चलिए चाय पीते हैं। आइए, चलिए आगे चाय पीते हैं। और बड़ा फेमस है ये लखनऊ में, स्वाति जी ने कहा कि आप आए हैं तो घर में तो आपने चाय पिलाई नहीं? नहीं, नहीं पिलाई। ऐसे बोलेंगे आप? नहीं, नहीं पिलाई। अब यहाँ भी पी लेते हैं, और पब्लिक भी बैठे हैं, जनता भी बैठी है, जनता से भी बात कर लेते हैं, देखते हैं कि कुछ। एक सेकंड, नमस्कार इन्होंने किया है, कौन है ये? अरे, हमारे मंत्री हैं स्वाति सिंह जी, भाई। हाँ भाई, हम जान रहे हैं जी। तो आप देख के, हम देखे आपको, बहुत खुश हो गए अचानक। अरे क्यों नहीं भाई, हम लोगों घरेलू संबंध है सर, जानते हैं आप? हाँ, जानते हैं। जानते हैं जी जी। अच्छा, आप लोग को पता है कौन है स्वाति सिंह? हाँ स्वाति सिंह, पहले इधर आओ, यहाँ आओ मेरे पास आओ। बेटा पढ़ने नहीं जाती हो? जरा कौन साथ में रहता है? लो बेटा चाय पियो। हैं? नहीं, ये छोटे बच्चे हैं ना बेटा, स्कूल नहीं जाती हो? देखिए, सरकार पॉलिसीज को लॉन्च करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन उसे अपनाना तो लोगों को है। हम किसी बच्चे को ज़बरदस्ती उसके घर से छीन के नहीं ला सकते हैं। इवन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की। मान लेता हूँ, लेकिन आप चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मेरे में कुछ? मेरे चाहने से क्या होगा, मैं तो चाह रहा था आपको टिकट मिल जाए। तो क्या हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसी दिशा में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्वाति सिंह ने हर उस सवाल का जवाब दिया जिसका जवाब जनता जानना चाहती थी, और बड़ी बेबाकी से दिया। इतना वक्त आपने एबीपी न्यूज़ के इस खास शो कार में सरकार के लिए निकाला, और इससे भी महत्वपूर्ण स्वाति सिंह जी, आपने तमाम उन सवालों के जवाब दिए जो जनता अभी जानना चाहती है आपका टिकट कटने के बाद। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं भी आपका आभार व्यक्त करूँगी कि आपने इतना समय मेरे साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, कार में सरकार के अगले एपिसोड में किसी नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक आप देखते रहिए और बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। नमस्कार। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।